नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पालघर सांसद राजेंद्र गावित पहुंचे वसई के पाचू एवं कीला बंदर, वैलेंटाइन मिर्ची के घर किया भोजन, सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएं। वसई पालघर जिले के सांसद राजेंद्र गावित ने रविवार 2 जनवरी को वसई के कीला बंदर एवं पाचू बंदर क्षेत्र का एक छोटा लेकिन अति महत्वपूर्ण दौरा किया। दरअसल पाचू बंदर निवासी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं अग्रणी समाज सेवी वैलेंटाइन मिर्ची ने पालघर सांसद राजेंद्र गावित के निवास पर जाकर गावित से वसई अपने घर पर आकर भोज किए जाने का अनुरोध किया था, जिसको स्वीकार करते हुए सांसद राजेंद्र गावित रविवार दोपहर के समय पाचू बंदर पहुंचे। चूँकि राजेंद्र गावित सांसद है और अपने क्षेत्र के सांसद के आने की खबर जब स्थानिकों को लगी, तब स्थानिक गावित के स्वागत में वहां इकट्ठे हो गए। गावित के पहुंचते ही वहां जमा लोगों ने गावित को गुलदस्ता भेंट किया, शाल उड़ाकर सम्मान जताया। साथ ही गावित को स्थानिकों ने पारंपरिक कोली वस्त्र भी पहनाया। बाद में लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी सांसद को अवगत करवाया, जिन सभी समस्याओं को सांसद ने बड़े ध्यान से सुनकर उन सभी समस्याओं के जल्द ही निपटारे का वादा किया। सांसद गावित ने खुद रास्ते में चलकर गटर एवं रोड की समस्याओं का अवलोकन किया और मत्स्य आयुक्त से बात कर समस्याओं के हल किए जाने की बात कही। 1.5 घंटे तक सभी समस्याओं का अवलोकन करने के बाद अंत में वैलेंटाइन मिर्ची के घर पर रखे भोज में शामिल होकर सांसद ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। या कधीपासून साहेब 3 महिन्यापासून मच्छी नाही मिळत, तुमचा पायगुण पडला या कोळीवाड्यात, नक्की जानेवारी पासून बदल होईल अशी मी आशा करतो। 3 महिन्यापासून मच्छी मिळत नाही, पण या जानेवारी पासून तुमचा हा पायगुण तुमचा चांगला आहे असं मला आशा आहे। कारण 11 वर्ष एखादा रस्ता होता छोटासा, तो त्याने 3 महिन्यामध्ये करून दाखवलं, म्हणजे त्यांचं नक्कीच हातगुण आणि पायगुण आणि सगळं त्यांचं चांगलं आहे। आणि आमच्या ज्या अकेला आल्या आपल्या वसईला आल्यात, आमच्या किल्ला बंदर पाचू मध्ये प्रवेश केलाय, सर तुमचे आभारी। आणि तुम्ही थोडं सर, आज वसई का दौरा हुआ, क्या विषय है और क्या कहना है? ये यहाँ पे पाचू बंदर में सालों साल मतलब जो समस्या से ये घिरा हुआ ये पाचू बंदर, यहाँ पे गटर से लेके पानी से लेके और यहाँ पे जेटी से लेके कई समस्या यहाँ पे मतलब खड़ी है। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी जो पक्ष के लोग जो है, उन्होंने अभी तक जिस तरह से ध्यान देना चाहिए, टेंडर निकला है, उसका पेमेंट भी है, फिर भी क्या है कि चुनाव का राह देख रहे हैं, उसके बाद उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो इस तरह से लोगों को एक मतलब क्या है कि एक गलत ढंग से लोगों को मतलब गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं इन लोगों को वादा किया हूँ कि ये 15 दिन के अंदर यहाँ के मेरीटाइम के अधिकारी और फिशरी के आयुक्त इनको यहाँ पे लेके आने के बाद यहाँ पे सर्वे करके यहाँ का उनका जेटी का जो इशू है, वो जेटी का इशू जल्द से जल्द हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और उसको माइनर फिशिंग जो अपना जो हार्बर है, उसी के तौर पर यहाँ पे जेटी का जो अपना चौथरा जो है वो बनाने का हम कोशिश करेंगे। सर, आपने सत्ताधारियों के ऊपर हमला किया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन पिछले 2 साल के करीब से यहाँ पर सत्ता नहीं है और प्रशासक राज है, उसमें आयुक्त और उनके अधीनस्थ लोगों ने क्या काम किया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो है मैं जो है आयुक्त के साथ मतलब एक बैठक तय करके इनका जो जो समस्या लिया पाचू गांव की, वहाँ के यहाँ के लोगों का एक डेलीगेशन लेके पाचू बंदर का यहाँ का जो अपना ये अपना डेलीगेशन लेके यहाँ पे जैसे जैसे जो भी काम सेंक्शन हुआ है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करने का हम उसको मतलब ऐलान करेंगे। सर, अभी हाल ही में 2 दिन पहले आयुक्त का ट्रांसफर हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आयुक्त का कार्यकाल कुल मिला के वसई विरार के लिए कैसा रहा? देखो, आयुक्त ने प्रशासक होने के बाद उन्होंने काफी अच्छा काम किया। एक पहली बार डायरेक्ट IAS ऑफिसर मिला था और उन्होंने जिन जिन लोगों का गलत कारनामे थे उनको उन्होंने प्रतिबंधित करने का कोशिश की, एक अच्छा काम किया। और उनका खुद का कहना है कि मैंने 2 साल में जो एक बहुत अच्छे काम किए,
कोविड का भी अच्छा कोविड कालावधि में भी उसने काफी कंट्रोल किया और एक कॉमन मैन के लिए भी मतलब क्या कि एक आयुक्त के तौर पर उन्होंने हॉस्पिटल से लेके कई मतलब जो महानगर पालिका का नया बिल्डिंग है वो भी खड़ा करने का उन्होंने कोशिश की। सर बसई नाला से पारा विरार ये महानगर पालिका के अंदर आने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं से पब्लिक काफी परेशान है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए जो सत्ताधारी पक्ष के जिनका मतलब ग्राम पंचायत से लेके नगर पालिका से लेके महानगर पालिका जिनकी सत्ता थी और 11-11, 15-15 साल से यहाँ पे मतलब सत्ते में ये जो विधायक के तौर पर रह चुके हैं, इन्होंने जिस तरह से ध्यान देना चाहिए उन्होंने लोगों को विकास के बजाय खुद का विकास के लिए उसने ज्यादा ध्यान दिया है, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे। सर आप आदिवासी जिले से हैं और आदिवासी के साथ में जितने आदिवासी यहाँ पालघर जिले में है उतना ही मच्छीमार कम्युनिटी भी पालघर जिले में है और आपका एक मच्छीमार कम्युनिटी से विशेष लगाव है, तो अभी इस तरह से आप जब आज प्रत्यक्ष आए हैं तो क्या ये मच्छीमार आपसे उम्मीद करे कि इनकी जो समस्या है आज दिन तक की समस्या वो अगले कई दिनों में सोल्व होगी ही? देखो मेरे मतदार संघ में भले भले आदिवासी बड़े पैमाने पे हैं लेकिन फिर भी इस इलाका में मच्छीमार से लेके आगरी समाज से लेके कुंडी समाज से लेके यहाँ से वड़वड़ समाज से लेके भंडारी समाज से लेके ग्रामीण समाज से लेके और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर अलग अलग स्टेट के से चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो चाहे क्रिश्चियन भाई हो अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे बड़े पैमान पर रहते हैं, सभी मेरे मतदार हैं और सभी का मतलब सुख दुख में उसका सहभाग होना उसकी समस्या के मतलब निगरानी रखना ये मेरा फर्ज है। जी साहब आज आप माननीय सांसद साहब को खींच कर लाए क्या विषय है? जी खींच कर लाए ये शब्द कहीं कुछ हद तक बुरा भी है और कुछ हद तक अच्छा भी है। खींच कर लाने का मतलब है सामने वाले पर प्यार जताना, प्यार जिसका प्यार बोलते सामने वाले पर उसको खींच कर लाया जाता है। चलो जैसे कि हम बचपन में लंगोटी यार हमारे होया करते सब हमारे लंगोटी यार तो नहीं है लेकिन उनका प्रेम जो ये कांग्रेस के जब स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री हुआ करते थे तब मुझे वो सबको छोड़ के पहले मुझे मंत्रालय में बुलाते थे उनके केबिन में आते थे। बस मैं सोमवार को मंडे को गया था उनके बंगले पे पालघर में तो उन्होंने मुझे प्यार से बोला वैलेंटाइन मिर्ची मैं तेरे घर पे एक भोजन के आता हूँ एक दो निवाले खाने खाता हूँ और ऐसे ही दौरे करता हूँ अपना वसई बल की कार्यकर्ता और अपने कार्यकर्ता को इकट्ठा करो। आज ये कोई कार्यक्रम किसी पार्टी का या किसी का नहीं है, बस एक वैलेंटाइन मिर्ची साहब सांसद साहब का दोस्त है इस नाते वो एक खींच के लाने का आज प्रेम भाव से खींच के लाने का ये प्रोग्राम है। तो आप खाने के लिए बुलाया लेकिन आपने समस्याओं का ठीकरा फोड़ दिया, क्या क्या समस्या है? जी हाँ ये मैंने जब प्रवीण हमारे उनके प्रवीण जो है जो पीए है फसल अशीतन मैं उनसे संपर्क में 3-4 दिन से कि यहाँ पर सिर्फ मेरे घर पे आना ही होगा और कुछ काम ही नहीं, तो साहब ने कुछ कान में प्रवीण के बोला है पीए साहब के कि नहीं वहां पर जा ही रहा हूँ वहां पर जा ही रहे तो लोगों की थोड़ी समस्या भी सुन ले। तो बस आज इतने बड़े साहब दिल्ली जो दिल्ली में गद्दी पे बैठते हैं सांसद में बैठते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर यहाँ पर आते तो ऐसे कोई ना कोई छोड़ता है किसी साहब को। कुल मिला के मिर्ची का जो है मीठे तरीके से काम करवाने का यह तरीका माना जाएगा? जी बिल्कुल मीठे तरीके से और उम्मीद के साथ। आपने एक सवाल कहा कि कितनी उम्मीद है साहब से, तो एक रास्ते का मैं उदाहरण देता हूँ जो 11 साल से यहाँ पर ये मदन देवखाते है आनंद गोमा है काशीनाथ गोमा है ये वहाँ के लोग है ये मेरे घर पे आए जब ना किसी एमएलए से उनको काम नहीं जमा वहाँ के 10 साल से महापालिका में नगर सेवक एक अपक्ष नगर सेवक था तब विवेक पंडित आमदार थे मैं नाम ले रहा हूँ 2009 में तब से लेकर आज 2021 आया तो ये सब मुझे बोला उसने कि ये तुम काम करके दोगे कि हमारा मैं बोला काम करके दूंगा नहीं मैं बोला कितने दिन में करूँ ये बोलो तो उन लोगों ने बोला मुझे 6 महीने में करोगे क्या तो अगर मैंने 6 महीने में नहीं किया तो तुम मुझे कॉलर पकड़ लेना बराबर उससे घर में मीटिंग होती क्योंकि ये भरोसा ये विश्वास मुझे क्यों है तो मेरा विश्वास ये सांसद पे है ये सांसद पे मेरा विश्वास है इसलिए मैंने बोला और 3 महीने में लगभग ये काम पूरा हो गया और ये काम करके दिया 3 महीने में जो 11 साल में अनेक यहाँ पर विधायक 30 साल से यहाँ पर विधायक है हाँ एकदम जो एक विवेक पंडित ने भी ली थी एकदम कुछ काम ही नहीं बनता है क्या सांसद तो एक सांसद की जिम्मेदारी और भी होती है ना सांसद में
ये सब नहीं होता ना, फिर भी वो सतपाटी पालगढ़ ढानू से लेकर यहाँ पर विक्रमगढ़ से लेकर कोने में कोने से लेकर यहाँ आज पांचू मंदिर में पहुंचे। हमारे लिए सिर्फ हमारे एक आवाज पर इतने बड़े सांसद, तो अभी मैं ये समझता हूँ कि कोई खींच के लाने का ये नहीं है, खींच के लाया हूँ लेकिन प्रेम भाव से लाया हूँ और उम्मीद का है मैं, और उनकी जिम्मेदारी जो है तो उनको ठीक तरह से मालूम है, जैसे कि जेटी का रास्ता बना 11 साल का, ये उनसे और भी उम्मीद है इसलिए हम इस पे करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ओनी लाल मेडा जिला अध्यक्ष वसई विरार शहर जिला कांग्रेस। कवित साहब, यहाँ मछुआरों की जो कंप्लेंट है, जो जेटी के बारे में जो प्रॉब्लम है, चौथरा का एस्टिमेट पास हुआ है, सैंक्शन हुआ है, मगर काम नहीं होता है। ये मछुआरों के साथ गावित साहब को लगाव है। गावित साहब को जब भी हम फोन करते हैं, वैलेंटाइन मिर्ची फोन करते हैं, तभी फोन उठाते हैं, रिस्पांस देते हैं। लास्ट वीक में उनका अपॉइंटमेंट तय हो गया, यहाँ आने का उन्होंने आश्वासन दिया वैलेंटाइन मिर्ची को। आज आके चेटी का जो चौथरा बनाने का है, जिसका एस्टिमेट अभी 10 करोड़ के आसपास बना हुआ है, उसके लिए सैंक्शन करने के लिए आयुक्त, जो मच्छीमार के आयुक्त है, उनको यहाँ विजिट करने का आश्वासन गावित साहब ने दिया है। हम सभी मछुआरों की तरफ से और वसई विरार शहर जिला की तरफ से गावित साहब का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने यहाँ आते आते ही 15 दिन के अंदर 22 लाख के फंड का अलॉटमेंट करने के बारे में आश्वासन दिया है, और हमें खातरी है कि गावित साहब आने वाले समय में मछुआरों के नेता है, मछुआरों को मानने वाले नेता है, तो पांचू बंदर और किला बंदर में जो भी समस्याएं पेंडिंग है उसमें खास ध्यान देने वाले हैं और जल्दी से जल्दी समस्या छुड़ाने वाले हैं। यही उम्मीद हम गावित साहब से करते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।